आदर सम्मान, अभिनंदन, आभार, नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। आज है 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार और इस सप्ताह का अंतिम क्विज है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज भी आता है सोम से शुक्रवार, और आज शुक्रवार है तो ये जो क्विज है आने वाले हमको सोमवार को दिन में 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। और यदि आपने क्रोमा वाला कोई 5 क्विज जो है वो नहीं खेला है तो खेल लीजिए, और बाकी कल फैमिली वीक वालों के ऑनलाइन ऑडिशन होगा, जीके टेस्ट होगा, तो जिनका भी है उन सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं, उनको बैनर दिखाई दे जाएगा कल सोनीले वेब में 9-10 बजे के बाद, कभी भी 9-10 बजे के मतलब बीच में 10:30 बजे उन सबको लॉग इन कर लेना है। तो अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक वाला डेली क्विज खेलेंगे 500 पॉइंट्स के लिए, जिसको कल आप खेल सकते हैं 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को दिन में 9:59 तक। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पे क्लिक करते हैं और पहला प्रश्न खुल गया। इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बी है PDA, तो ये होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तीसरा है वाईफाई, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी या फाइडेलिटी, और यहाँ बात हो रही है तो ये होगा ऑप्शन 1990, तो ब्लूटूथ। ये इसको पहले जो है ये एक रेडियो तकनीक है जिसको शॉर्ट लिंक के नाम से जाना जाता था, और 1989 की बात है, 1990s की बात हो रही है तो 1989 की बात है, और इसको जो है स्वीडन के एक स्वीडन में स्थान है लुंड, वहाँ पर एरिक्सन मोबाइल के जो CTO थे निल्स रिडबैक, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था 1989 में। फिर और इससे लोग जुड़े हैं, जोहान उलमैन हुए और टॉड विंग्रेन हुए और जाप हार्टसन हुए वो। और ये मूवी की बात हो रही है, बहुत सिंपल है, ये 6 पाक मूवी है ये, और ये 2020 में आई थी और मेघना गुलजार ने इसको डायरेक्ट किया था और दीपिका पादुकोण इसमें लीड रोल में थी, जिन्होंने ये कैरेक्टर निभाया था। शांताराम पुरस्कार की बात हो रही है तो ये 2003 का जो है एक उपन्यास है 2003 का, और ये मुंबई जिसको पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था उससे जुड़ा हुआ है। इसमें जो है एक ऑस्ट्रेलियाई दोषी बैंक लुटेरा था, और जो कि नशे का भी आदि था, जो कि हेरोइन का नशा करता था, और वहाँ पर पेंट्रिस जेल जो है वहाँ से भागकर भारत आ जाता है 1980 के दशक में, और फिर अपने जीवन के अंत तक जो है बॉम्बे में रहता है, तो वही इस उपन्यास में बताया गया है। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने लिखा था 2003 में, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने, शांताराम वाला। और ये बात हो रही है पोमेल घोड़ा, तो ये आपको बता दूँ इस नाम में घोड़ा है पर इसका घोड़े से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है, और ये एक तरीके का बेंच टाइप की होती है जिसपे दो हैंडल लगे होते हैं, तो इस तरीके से आपको एक फील आता है जैसे मैं घोड़े पे बैठते हैं ना हैंडल पकड़ने में, तो ये पुरुष जिम्नास्ट से जुड़ा हुआ है। और जो अभी आधुनिक पोमेल जो है वो फॉर्म रबर से बना हुआ होता है और प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं जिसको पोमेल बोला जाता है, और या फिर लेदर फिनिशिंग होती है, या पहले जो है मेटल लगा हुआ होता था, तो ये वो होता है। तो इसमें हॉर्स नाम है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका घोड़े से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मतलब फील देता है वो जैसे व्यक्ति जो है घोड़े पे बैठा है, क्योंकि हैंडल लगे होते हैं और व्यक्ति को जिम्नास्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सिंपल है, डी होता है इसका ऑप्शन। और जूडो कराटे वो आप जानते ही होंगे, उसमें जो है किक बॉक्सिंग, और जो उसमें चौथा वाला ऑप्शन था लैक्रोस, 30 सेकंड होते हैं बताने को बहुत कुछ होता है, तो लैक्रोस जो गेम था या लैक्रोस ही, वो एक तरह का टीम में खेला जाता है, जैसे आपने देखा होगा एक तरह की फील्ड हॉकी मान लीजिए, तो जो उसमें गेंद होती है ना उसको बोलते हैं लैक्रोस बॉल, और जो हाथ में स्टिक होती है हॉकी की तरह वो मेटल जैसी ही होती है, मेटल की होती है, उसको बोलते हैं लैक्रोस स्टिक। तो जैसे फील्ड हॉकी में लोग भागते हैं ना, तो इसमें भागते हैं और हॉकी वाला जो नीचे हिस्सा होता है एल शेप का, तो उसमें इसमें नेट लगा हुआ होता है जाल, और बॉल होती है इसमें फंसा के जो है उससे मारते हैं, तो वो लग ना जाए किसी के, तो उसके लिए जो प्लेयर्स होते हैं ये जो है हेलमेट भी पहनते हैं जाली वाला, जैसे क्रिकेटर में क्रिकेट में बैट्समैन पहनते हैं ना
बिल्कुल इस तरीके से। और भागते खेलते ऐसे ही हैं जैसे मान लीजिए फील्ड हॉकी खेल रहे हैं, तो ये गेम होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। केबीसी में प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं जितना भी डिटेल में बता सकता हूँ आपको बताता हूँ, जिससे आपकी जीके और अच्छी हो सके। और यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं केबीसी में तो आप जो है एक ऊंचे लेवल तक जाके अधिक से अधिक धनराशि दे सके। वरना आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इजीली कोई भी आपको बता देगा, आप खुद भी गूगल करके ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए यदि आप केबीसी में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जी पूछ लेंगे कि आपको कैसे पता, पूछते हैं ना बहुत से कंटेस्टेंट से कि कैसे गैस किया, आपको कैसे पता, तो व्यक्ति क्या बताएगा? तो वो डिटेल में बताएगा तो अमित जी भी इम्प्रेस होंगे, अमित जी तारीफ़ करेंगे, वहाँ पर ऑडियंस से वो ताली बजाएगी, तो वास्तविक जो धन है, इनाम है, संपत्ति, तो वो है ना, पैसा तो एक बार मिलेगा पर सम्मान व्यक्ति को जीवन भर वो देता है, यश मान सम्मान, तो वो चीज़ है। तो ये लैक्रोस एक तरह का आप मान लीजिए हॉकी जैसा गेम है, पर हॉकी वाली स्टिक में, इसमें मेटल के स्टिक में, जैसे गोल की स्टिक होती है तो उसमें मेटल के स्टिक में नीचे नेट जैसा लगा होता है, और बॉल और स्टिक दोनों को जो है लैक्रोस बॉल और लैक्रोस स्टिक बोलते हैं, और माथे पे हेलमेट पहनते हैं। मान लीजिए कोई इमेज क्वेश्चन आ जाए, उसमें पूछा जाए कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं प्लेयर्स, तो आपको लगेगा जैसे ये हॉकी खेल रहे हैं, है ना, या गोल्फ खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो लैक्रोस गेम कहलाएगा। और ये जो है उत्तरी अमेरिका का गेम है, अमेरिका का गेम है, उसमें भी उत्तरी अमेरिका का। और जो मैं आपको ब्लूटूथ के बारे में बता रहा था, तो उसमें कई उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ बताने को है, तो वो रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ। तो जोहान उलमैन जो मैंने आपको बताया था, एक तो वो थे एरिक्सन मोबाइल के नील्स रिडबैक, तो उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था, 1990s की बात हो रही थी ना, 1990 के दशक की, तो वो 1989 में स्टार्ट हुआ था। और ब्लूटूथ को जो है पहले शॉर्ट लिंक के नाम से जाना जाता था, दरअसल ये ना एक रेडियो तकनीक है, जैसे आपने देखा होगा ना रेडियो वायरलेस सिग्नल आते हैं, तो उस तरीके से। फिर बाद में जो है इससे जोहान उलमैन जुड़े और दो जने जुड़े थे, और नील्स रिडबैक ने इसको स्टार्ट किया था, और जोहान फिर उलमैन इससे जुड़े। उसके बाद टॉड विंग्रेन और डचमैन जाप हार्टसन जुड़े इससे, स्वेन मेटिसन जुड़े, तो ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो कोई भी नाम आ जाए तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो हैं टॉड विंग्रेन और जाप हार्टसन, ये दोनों जो हैं एरिक्सन के लिए काम कर रहे थे। पहले आपने सोनी के मोबाइल देखे होंगे ना, सुने होंगे, सोनी एरिक्सन के नाम से आते थे, तो वही एरिक्सन कंपनी है, सोनी अलग है, एरिक्सन अलग है, फिर बाद में दो है अलग अलग हो गए थे। फिर बाद में इसका और डेवलपमेंट हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ 1994 में, तो फिर जो 1997 की जो एक टीम थी उनके पास मतलब एक सॉलिड वो आ गया था, जिससे जो है फिर 1998 में ये आम जो है पब्लिक के लिए मतलब आ पाया था 7 मई 1998 को। और उस समय पूछा जाए कि उस समय जो है प्रोजेक्ट लीडर कौन थे, तो वो अर्जन जोहानसन थे। 1997 में जो प्रोजेक्ट लीडर थे वो थे अर्जन जोहानसन। और 1997 में IBM के जो थिंक पैड आते थे, उसके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उससे जो जुड़े हुए थे वो थे एडालियो सांचेज। उन्होंने ये सोचा था कि इसको जो है मोबाइल फ़ोन में बनाया जा सकता है, मींस मोबाइल और ये जो है आपस में कनेक्ट हो जाए। फिर एरिक्सन और IBM आए, उनके मतलब इंजीनियर मिले कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो है इंटेल भी इनसे जुड़ा, तोशीबा जुड़ा, नोकिया, तो एक एक करके ये सब जब जुड़े हैं ना, तो इन्होंने फिर मिल के इसको बनाया और मतलब अच्छा। और IBM और एरिक्सन और कुल 5 सदस्यों के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशीबा और IBM, ये 4 ऑप्शन आ जाएं, एक कोई सा पूछें तो आपको मालूम होना चाहिए, एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशीबा और IBM, ये 5 थे। और पहला ब्लूटूथ डिवाइस कब आया था, 1999 में। और उसका क्या नाम था, वो सोनी वालों का था, एरिक्सन वालों का मोबाइल फ़ोन था, जो कि एक T36, एरिक्सन T36। और उसका एक इम्प्रूव वर्जन, इम्प्रूव एडिशन आया था, जो था एरिक्सन मॉडल
सोनी वालों इनका ही एरिक्सन वालों का T39, पहला T36 था, दूसरा T39। और पहला ब्लूटूथ आपसे कोई पूछा जाए नोटबुक कौन सा था वो या किसका था, तो IBM का थिंकपैड था A30। पहला ब्लूटूथ नोटबुक IBM का थिंकपैड A30 था, जिसको IBM ने अक्टूबर 2001 में लॉन्च किया था, इन अक्टूबर 2001। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पहला ब्लूटूथ डिवाइस 1999 में आया, और ये क्या था, ये एक हैंड्स फ्री मोबाइल हैंडसेट था, हैंड्स फ्री मोबाइल हैंडसेट, और इसे बेस्ट ऑफ शो टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला था। कहाँ? कॉमडेक्स में, COMDX में बेस्ट ऑफ शो टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला था, हैंड फ्री मोबाइल सेट को, कब आया था, 1999 में। तो ये आपको मतलब एक ही प्रश्न को कई तरीके से मालूम होना चाहिए, कोई कहीं से भी पूछ ले, यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको नॉलेज होगी, तो 1 करोड़ का भी 1000 के बराबर सरल लगेगा, नहीं तो 1000 का भी 1 करोड़ के बराबर कठिन। तो इसलिए अधिकतर सब कुछ पढ़ें, सबको डिटेल में पढ़ें, अधिक से अधिक ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि जो है टाइम कम होता जा रहा है एक एक दिन करके, और शो आगे बढ़ता जा रहा है, तो टाइम कम बचा है KBC का, और जो है कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए अपने ज्ञान के लेवल को इतना बढ़ा दीजिए कि जिससे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हो शो में जाने से पहले, तो आप उनको अपने GK से इम्प्रेस कर पाएँ, और जो है अपने GK को उनको अच्छे से बता पाएँ डिटेल में, तो जिससे वो इम्प्रेस हों, फिर वो आपको KBC में बुलाएं, और फिर आप वहाँ पहले ट्रिपल और फिर हॉट सीट तक जा सके। तो ये थी बात आज 1 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार के IDFC फर्स्ट बैंक क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी GK और इम्प्रूव और गेन हुई होगी, साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनको रिविज़न हो गया होगा। ऐसी और GK के लिए आप और वीडियो देख सकते हैं सेम क्विज के, और Amazon को इसका वीडियो मिलेगा, जिसको खेल के आपकी GK भी अच्छी होगी, और आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें, जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से, और यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। फ़ोन का ध्यान रखें, कल जिनका भी फैमिली वीक वालों का ऑडिशन है GK है, उन सबको बहुत बधाई शुभकामनाएँ सब परिवार, और अपने तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिनको ले आ रहे हैं ले आना चाहते हैं उनकी भी तैयारी करवाइए, और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्ते।